अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राजा सरोज सुहेब एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफ एट सिटी टू। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं रावलपिंडी आर्ट काउंसिल की आर्ट गैलरी के सामने, और यहाँ अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्जीबिशन जो है उसको मुनक्किद किया गया है बाई डिफरेंट आर्टिस्ट, जिन्होंने अपनी ड्राइंग्स, अपने डिज़ाइंस और अपने डिफरेंट जो आर्ट वर्क है उसको यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। तो अंदर जाते हैं और उन आर्टिस्ट से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी मोटिवेशन क्या थी और किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू गुजरते हुए उन्होंने इस काम को कम्प्लीट किया है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे टाइम दिया। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इस एग्जीबिशन का मकसद था प्रमोट करना इस आर्ट वर्क को, स्पेशली जो है ये जो वुड आर्ट है इसको, क्योंकि ये पाकिस्तान में बहुत कम है। और वुड आर्ट के हवाले से मैं ये कहता हूँ कि वुड आर्ट पहले आपको दरवाजे खिड़कियों पर तो नज़र आता था, लेकिन ड्राइंग रूम्स में और ऑफिस में ना बहुत कम नज़र आता था आपको। जी हाँ, तो अब इंशाल्लाह इससे ना ये ऑफिस में भी जाने लगा है, उसके बाद फिर ये घरों के ड्राइंग रूम्स में भी और बेडरूम्स में भी ये लोग लगाने लगे। सर, आपका मेन मकसद क्या था? आप कुछ नया करना चाहते थे, मार्केट में कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाहते थे? जी, पहले आपने देखा होगा कि वुड आर्ट था ही नहीं, कार्विंग थी, वो सिर्फ कार्विंग थी जिसको डीप कार्विंग कहते हैं, और उसमें सिर्फ बेल बूटे और ये जो क्लासिकल चीज़ें होती थी उसी की कार्विंग होती थी। तो बाकी जो पेंटिंग्स के हवाले से या पोर्ट्रेट्स वगैरह ये वो, उसमें ये चीज़ इसमें ये पोर्ट्रेट्स नहीं थे, नहीं बन सकते थे वो। आपने देखा होगा सीएनसी और लेज़र मशीनें जो है वो तो बना देती हैं वो, जब आप जो आप उसको पाथ देते हैं कंप्यूटर में वो करके, लेकिन जिस तरीके से हैंड वाला काम नहीं था। जिस तरह पोर्ट्रेट्स बनते हैं मुख्तलिफ कलर्स में, उसको इन्वर्ट करके लकड़ी के कई ही कलर निकाल के जब आप कोई पोर्ट्रेट बनाते हैं, अब वो काम नहीं था पहले, वो सिर्फ लेज़र मशीनों के हवाले से तो था, लेकिन वो भी सिर्फ एक लाइन वर्क वो था। तो आपके दिमाग में ये सोच कैसे आई इस काम को सीखने की, और आपने कब सीखा इसे? मुझे तो मोर देन 30 ईयर्स हो गए इसमें, और मैं बेसिकली पेशावर से मैंने डिप्लोमा लिया था स्कल्पचर का, मैं स्कल्पचर करता हूँ बेसिकली, लेकिन वुड के ऊपर मैंने काम किया। वुड मुझे बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव भी लगता है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इसमें, और तकरीबन हर आदमी को ये पसंद होता है। तो यहाँ पे जो आपने डिस्प्ले किया हुआ है इसके अंदर किस तरह की चीज़ें शामिल हैं? और मैं देख सकता हूँ जैसे कि मेरे पीछे बहुत सारे प्रोमिनेंट जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनकी भी आपने यहाँ पे क्राफ्टिंग की हुई है। जी, तो मतलब और क्या क्या काम है आपका यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हुआ? यहाँ पे मैं बेसिकली दो चीज़ें ही हैं, एक पोर्ट्रेट्स हैं और दूसरी इस्लामिक कैलीग्राफी है। जी, इस्लामिक कैलीग्राफी में कूफी भी आपको नज़र आएगा, उसके बाद फिर जो है वो अरबी रस्म अल-ख़त भी आपको नज़र आएगा, नस्तालीक भी नज़र आएगा, और स्पेशल ज़्यादातर जो है वो कूफी जो है ना, वो डिज़ाइनिंग के हवाले से बड़ा अट्रैक्टिव होता है। और कूफी में दो तीन कैलीग्राफी हैं, जो कूफी डिजिटल है, कूफी जो है ना वाइड है, और ये ओल्ड कूफी। एक कैलीग्राफी को कंप्लीट करने में कितना वक्त लग जाता है? तकरीबन वो तो डिज़ाइनिंग के ऊपर है, अगर जिस तरह बेलफज आयत करीमा है और बहुत बड़ी है वो, तो उस पर तो ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अब जिस तरह कलमा शरीफ है या फिर छोटी मोटी आयतें हैं वो, उसी हिसाब से उसको टाइम लगता है। ज़्यादातर ये है कि आप जब उसको एक दफ़ा फाइनल कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं, ड्राइंग करने के बाद आपको उस पर काम करते हुए, क्योंकि आपको एक पाथ का पता चल जाता है कि मेरी ड्राइंग हो चुकी होती है, तो उसमें फिर तकरीबन 7-8-9 या 10 घंटे लगते हैं। पोर्ट्रेट्स में ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि मैं चार तरह की कार्विंग करता हूँ। एक आपने बर्न आर्ट के नाम से ना वो एक वो क्या होगा पायरोग्राफी जिसको कहते हैं, वो आर्टिफिशियल वुड के ऊपर होती है, उसको मैं, ये नेचुरल वुड है, उसके वो जो कंसेप्ट है वो मैं इसके ऊपर लेकर आया। जिस तरह आप मेरे पीछे ये बेनज़ीर की पिक्चर है, ये आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट, तो इसमें मैंने वो कंसेप्ट दिया है बर्न आर्ट वाला, बायोग्राफी वाला। ये डॉट कार्विंग से, इसको कहते हैं डॉट कार्विंग, कार्विंग के उस पर चार डॉट कार्विंग जो है वो हैं। एक मैं करता हूँ डीप कार्विंग,
एक स्लाइड कार्विंग है, एक डॉट कार्विंग है और एक सेंडर। और इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं? इसमें डिफरेंसेस ये हैं, कार्विंग जो है ना वो बेसिकली एक पोर्ट्रेट्स के लिए ना वो मुनासिब इसलिए नहीं होती कि वो एक हार्ड चीज़ होती है, हार्ड, और जो इंसान का जो चेहरा होता है वो बड़ा सॉफ्ट होता है वो, तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए तो मेरे पास तो चूँकि कलर्स नहीं होते तो मैं उसी लकड़ी में से इन्वर्ट करके कलर्स निकालता हूँ। तो फिर मैं ये जो सेंडर है ये इस्तेमाल करता हूँ, ये मैंने अभी तकरीबन कोई एक महीना हुआ ये मैंने इस्तेमाल करना शुरू किया है, कि उससे चेहरा जो है ना वो सही सॉफ्ट हो जाता है, वो उसके ऊपर वो सेंडर करके ये। तो बाकी पोर्ट्रेट्स जो है ना वो तो उसमें मैं चारों मोड इस्तेमाल करता हूँ उसमें। और आप कोई सैंपल आप अपने साथ रखते हैं कैलीग्राफी के वक्त पे? यकीनन आप कोई पिक्चर रखते होंगे जिसके थ्रू आप जो जिस तरह पर्सनालिटीज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके तो आपको स्पेसिफिक ड्रॉ करने पड़ते होंगे, राइट? आप उनके फेशियल फीचर्स जो हैं वो उसी तरीके से ड्रॉ? जी, लोग मुझे भेजते हैं पिक्चर्स, वो पोर्ट्रेट्स भेजते हैं वो बनाने के लिए, तो ज़ाहिर है एक चीज़ आपके सामने होगी तो उसको आप ड्रॉ करेंगे। बल्कि उसमें तो ये भी है कि जिस तरह ये हमारे जो बड़े बड़े जो गुजरे बादशाह गुजरे या जो भी है, जिस तरह आपके सामने नजर आता है शहाबुद्दीन गोरी, अलामा इकबाल और ये वो, इनको भी ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर कोई इमेजिनेटिव आपके पास आ जाए कि इस मतलब, या फॉर एग्जांपल आप खुद कुछ सोचते हो कि मैंने इसकी कैलीग्राफी करनी है, तो आपकी इमेजिनेशन भी काम आती है कैलीग्राफी के अंदर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो एक बेसिकली तो आर्ट जो है ना वो एक क्रिएटिव चीज़ है, उसमें क्रिएटिविटी होनी चाहिए, नई नई चीज़ होनी चाहिए। और ये जिस तरह आपके सामने दुनिया में ये सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ, आपने उसको इकट्ठा करके एक जगह पे ऑर्गेनाइज करके आपने एक बंदे को शो करना है कि ये उस इस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है कि लोगों को पसंद आ जाए, तो बेसिकली तो ये वही चीज़ है सारा। तो मैं भी यही करता हूँ कि जिस तरह आपने आर्ट तो पहले ही देखा होगा, पोर्ट्रेट्स भी देखी होंगी सारी चीज़ें, लेकिन ये कार्विंग करके और इसके अंदर से कलर्स निकाल के और शेप, जिस तरह बाल हो गए, मूंछें हो गई, दाढ़ी हो गई सारी, तो ये एक अलग कंसेप्ट थी, इसका कंसेप्ट अलग है, टोटली अलग था। ये पहले हो रहा था इटली में, मिलान में मैं गया था, बहुत अरसा पहले की बात है, वहाँ पे ये आर्टिस्ट थे, वहाँ मैं बैठ जाता था उनके सामने तो वो करते थे मेरे सामने, लेकिन वो भी डिफरेंट, वहाँ से इंस्पायर हुआ मैं। और उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में शुरू किया और खुद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में अब्दाली के नाम से मुझे तकरीबन जो भी आर्टिस्टिक माइंड के लोग होते हैं सब मुझे जानते हैं, और मैं ये करता हूँ, मैं यूनिक चीज़ है बिल्कुल, पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है, और जब ऑब्वियसली कोई एक इंसान कर रहा हो तो उसको हाईलाइट भी ज़्यादा किया जाता है। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस एग्जीबिशन के अंदर और भी आर्टिस्ट की चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ उनके बारे में आप बता सकते हैं, और दीगर चीज़ें यहाँ पे कौन सी मौजूद हैं? जी, इस एग्जीबिशन में मैडम फरा का क्राफ्ट इन्वेंटर के नाम से उनका आर्ट वर्क है, ये भी आपने देखा होगा डिस्प्ले सारा आपने देखा है, पोट्री है। उसके बाद फिर क्लोथिंग के हवाले से जो है वो रोश क्लोथिंग है, उसके बाद फौजिया, मैडम फौजिया है, उसका जीशा डॉट वो है। उसके बाद कासिम साहब हैं, वो शीशे की इचिंग करते हैं, और सबसे बड़ा नाम जो है वो अजीम साहब के हैं। ठीक है, वो पाकिस्तान के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, और उनका जो आर्ट वर्क होता है वो अपनी मिसाल आप होता है, वो तो ऐसा कोई पाकिस्तान में आज तक मैंने देखा नहीं है। सद कैन जो है वो उनसे खैर बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ये ना कि वो हो गए, उसके बाद फिर ये मुगली आर्ट जो है वो उन्हें इकट्ठा किया वो सारा, तो उनसे हम ज़्यादा बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है हमें। और चूंकि ये मेरा बड़ा तहम्मुल वाला काम है, पेशेंस वाला काम है इसमें, तो मैं इन फनकारों को देख के तो मेरे अंदर मजीद पेशेंस आता है कि चलो इन्होंने इतना मुश्किल काम किया हुआ है तो मैं भी क्यों नहीं कर सकता इसको। बिल्कुल, तो मैं भी ऐसे ही होना चाहिए। आई थिंक आर्टिस्ट जो है वो एक दूसरे से इंस्पायर होते हैं किसी काम से। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, इस एग्जीबिशन के थ्रू आपका मकसद क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, और क्या आपको लगता है इस तरह के एग्जीबिशन के थ्रू लोगों के अंदर मजीद आगाही जो है डिफरेंट आर्ट और कल्चर और जो डिफरेंट चीज़ें इनके अंदर इंक्लूडेड होती हैं उनके बारे में बढ़ेगी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जो रावलपिंडी आर्ट काउंसिल है ये बहुत अच्छा काम कर रही है आर्टिस्टों को प्रमोट करने के लिए। अब देखिए जी, हमारी जो एग्जीबिशन इन्होंने करवाई है, तो हमारे तो इतने वो नहीं थी, इस्तेदाद नहीं थी हमारी कि हम इतनी बड़ी एग्जीबिशन करवा सकें, इन्होंने हमें ऑफ़र दी और हम आर्टिस्ट को बहुत मसाइल पेश हैं। जी हाँ, स्पेशली क्योंकि रिसोर्सेज उनके पास कम है और अपॉर्चुनिटीज़ कम फराम की जाती हैं, तो आई थिंक रावलपिंडी आर्ट काउंसिल ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और बड़ा उसमें कामयाब भी रहे ये, इन्होंने चीफ गेस्ट के हवाले से, और उसके बाद फिर जो है हमारी जो सेट, बल्कि इन्होंने डायरेक्टर साहब ने खुद ये हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की, जिस तरह आप ये नज़र आ रहा है आपको, ये डायरेक्टर वकार साहब है, उन्होंने खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें और अरेंज करके लगाई, और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमारे साथ ना तावन किया।
दूसरा ये है कि आर्ट के प्रमोशन के हवाले से मैं आप बता दूँ कि यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं इसमें हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट तो चले जो भी है वो ना हो या ना हो वो तो अल्लाह ताला का काम है, लेकिन मुझे जो इंस्पायरेशन मिली है इन आर्टिस्टों से और उसके बाद फिर ये जो रावलपिंडी आर्ट काउंसिल के जो जितने भी जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने जो हमें मोटिवेट किया हमें और मज़ीद काम करने के लिए, और तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा उससे मुतासर हुआ हूँ मैं। और इंशाल्लाह आर्ट के लिए, क्योंकि जितने भी बच्चे या जितने भी लोग आए यहाँ पे ये आर्ट देखने के लिए ना, उन्हें ख्वाहिश का इजहार किया कि इसकी एक वर्कशॉप होनी चाहिए, तो मुझे जो आर्ट काउंसिल वाले ये वकार साहब भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वर्कशॉप जो है वो एक दो दिन का तीन दिन का आप करवाएं, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी मेरी कोशिश है कि मैं वर्कशॉप करवा दूँ यहाँ पे। सर अजीम साहब भी जो है वो काफ़ी हमें पॉलिश कर रहे हैं और तैयार कर रहे हैं इसके लिए। बल्कि सर हम बहुत खुश होंगे कि हम आके आपके साथ कवर करें और जो भी आप सिखा रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ एन आर्ट जो पाकिस्तान में जिस तरह आपने कहा कि बहुत कम जो है वो फॉलो किया जाता है और बहुत ही यूनिक और मेहनत का काम है ये, तो लोगों के अंदर इसके बारे में आगाही और उनको सिखाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। हम लोग मज़ीद यहाँ पर थोड़ा सा फिरेंगे और आपके इस एग्जीबिशन को देखेंगे और चीज़ें क्या मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, कासिम साहब हम आपकी आर्ट वर्क के सामने इस वक्त मौजूद हैं, मुझे थोड़ा बताइएगा कि व्हाट इज़ इट अबाउट, आपकी मोटिवेशन क्या रही है और इस किस्म के आर्ट को आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेसिकली मैं शौकिया करता हूँ बचपन से ही, शौक़ था मुझे पेंटिंग्स ड्राइंग्स वगैरह करने का, तो कुछ नए ही मैंने देखा फील्ड को देखा जाए लाइक लोग ऑयल पेंटिंग करते हैं, पेंसिल स्केचिंग वगैरह ड्राइंग वगैरह करते हैं, मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट किया जाए। फिर मैं डिस्कवर करते करते काम को चीज़ों को एक दफ़ा मैंने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि ब्लैक पेपर पे मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करूँ जो ल्यूमिनेट करे, तो लेकिन रात के टाइम जिस तरह स्केचिंग होती है जिस तरह पेंटिंग होती है, लेकिन ये कि मैं चाहता था कि ब्लैक के ऊपर काम करूँ कि वो रात के टाइम ल्यूमिनेट करे। वो मैंने देखा कोई वेस्टर्न लड़का था उसने कर दिया, फिर somehow मैं तो अपने काम में लगा रहा, फिर एक दिन मैंने ये डिस्कवर किया, तो काम तो ये एचिंग इसको कहते हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ में करते आ रहे हैं लोग, लेकिन इतनी डिटेल में और जिस तरह मैंने इसको इफ़ेक्ट डाला लाइटिंग का इफेक्ट डाल के और प्लस इसके बैक साइड पे आपको तो अगर ये लाइट ऑफ हो जाए जिस तरह आपने कहा कि इल्यूमिनेट करती है जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, जी, तो किस तरह की इसकी पिक्चर होती है, क्या तब भी आप इसको देख सकते हैं? हाँ जी आप देख सकते हैं, लेकिन इसका ये है कि इसके अंदर फिर मुझे इफेक्ट चेंज करना पड़ता है। बेसिकली ये नाइट के लिए ही बना है, दिन के टाइम तो लोगों ने बहुत काम किया है, पेंटिंग होती है उसी में नज़र आता है, लेकिन ये कि जब रात होती है तो बंदा रूम में जाए कोई अच्छा सा इफेक्ट इसका बड़ा ज़बरदस्त। वेरी यूनिक आइडिया जी, थैंक यू वेरी मच। सो ऑब्वियसली बिकॉज पाकिस्तान में इसका इतना रुझान नहीं है, क्या आप कोई मार्केट नज़र आई है इसकी जो पेंटिंग्स आप बना रहे हैं? नहीं, रुझान तो बेसिकली मैंने आपको बताया ना कि पाकिस्तान में कह सकते हैं कि मैं इसका पायनियर हूँ, इसको किसी और ने काम नहीं किया, ये मैंने ही पहली दफ़ा इस काम को किया है। सो डू यू सी अ स्कोप ऑफ इट जब आप मार्केट में इंट्रोड्यूस कराएंगे, क्या आपको लगता है कि मशहूर हो सकता है? या ऑब्वियसली क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वजह यह है कि ये काम यूनिक है और ऑब्वियसली जो बंदा आता है बड़ा खुश होता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान की चीज़ है। बिल्कुल, मैंने इसका कोई और आर्टिस्ट नहीं है, मैंने नहीं देखा, इवन मेरे एक दो और अखबार वाले थे और एक दो और भी चैनल वाले थे, उन्होंने बाकायदा मेरे पे रिसर्च करके फिर उन्होंने ये डिक्लेयर किया, मैंने तो उनको कहा था कि किसी और ने काम नहीं किया, फिर उन्होंने खुद से ही एफर्ट करके तो उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की कि यही है, इन्होंने पहली दफ़ा एचिंग का काम पाकिस्तान में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ज़बरदस्त। एंड आई थिंक जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप कासिम साहब को अप्रोच करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं? यह मेरा व्हाट्सएप है, मेरा नंबर है और प्लस जी
गैलरी के नाम से फेसबुक पे पेज है, वहाँ पे आपका व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और मेरा और भी काम है, मैं डिजिटल डिजाइनिंग डिजिटल ड्राइंग भी करता हूँ। सही है, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। थैंक यू सो मच कासिम साहब, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे सामने इस वक्त बतूल कुरैशी साहिबा मौजूद हैं। मैम, मुझे बताइएगा अपने काम के बारे में, मोटिवेशन आपकी क्या थी, किस तरीके से आपने इसको स्टार्ट किया, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं, किसी एक चीज़ पे आपने पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया है, तो क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे? पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह जी ने मेरे मुझे आर्टिस्ट बनाया। ठीक है, ये है कि लेकिन वो बात आ जाती है कि मुझे हर चीज़ में ना अपने काम की चीज़ नज़र आती है। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो मैं बरसीर की जो पोट्री थी उसको लेके चलना चाह रही थी आगे, तो उनको मैंने कहा कि कलर किया जाए उनके ऊपर, उन पर मुख्तलिफ काम, सीक्वेंस का काम करना, शेल का काम करना, मुख्तलिफ किस्म के काम मैंने अप्लाई किए इसके ऊपर, लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया। फिर जो जो मैं वक्त गुजरता गया तो मैं देखती रही इस चीज़ को कि ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं घर में या कहीं भी जो आँखों को अच्छी लगी मैंने उस पर काम किया, तो देखें हर बंदा देख रहा है और पसंद कर रहा है, बल्कि वो पूछते हैं कि आपने किस तरह बनाया है। मैं कहा ये एक लगाव है एक किस्म का। तो जो क्या इसमें मैं ये कह सकता हूँ कि आपके जो घरेलू इन्फ्लुएंसेस होते हैं खातून के स्पेशली, जो कि घर बनाती है और यकीनन इर्द-गिर्द बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है, तो उससे आपने चीज़ें ली? हाँ भाई, ये भी एक फीलिंग भी मेरी बहुत ज़्यादा है, कभी मुझे डिप्रेशन होता है तो उसकी चीज़ें जो बनती हैं तो वो मुख्तलिफ होती हैं, वो शार्प होती हैं, और जो मासूम दिल सुकून से है तो वो कलरफुल हो जाती हैं। ये तो हाँ बहुत दिल जी जी, और मैं डिप्रेशन से निकलने की बहुत बेहतरीन चीज़ है दुनिया की कोई चीज़। मैं कहती हूँ मेरी जब जहाँ तक लाइफ गुजरी है मैंने देखा यही है, जितनी इन चीज़ों में सुकून है ना, आपको आम इंसान से मिलके सुकून नहीं मिलेगा, उससे आपको डिप्रेशन मिलेगा, कोई बात मिलेगी, ये कुछ कहती भी नहीं है, अपनी फीलिंग बताते जाएं, अपनी करते जाएं और खुश होते जाएं, जो जो चीज़ बनती जाती है तो वो इंसान मुतमईन होता है। तो बेसिकली मैं जब पहले स्टार्ट पहले किया तो यहाँ सर अजीम होते हैं आर्ट्स काउंसिल में, ठीक है ना, ये मुझे पहले मैं आई क्योंकि मुझे गॉड गिफ्टेड था ये आर्ट्स, हाँ हाँ था, लेकिन मैं ज़रा पॉलिश करना चाहती थी कि आया मुझे कोई टीचर यस कर दे कि आप आर्टिस्ट हैं या आपकी फीलिंग अगर है तो ये सच है। तो आपने बिल्कुल एक अनप्रोफेशनल बैकग्राउंड के साथ आप यहाँ पे आए और आपको ट्रेन किया गया और उसके बाद आपने? नहीं, मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, लेकिन ये कि दिखाया उनको तो वो भी शौक है, काम करके मैं लेके आई थी अपने मियाँ के साथ गाड़ी में सामान थोड़ा सा दिखाया उनको, बाहरी सामान उठाने से थे ज़्यादा बड़े बड़े पॉट थे, तो सर ने जब देखा तो सर ने कहा वाह ये बहुत प्यारा काम, फिर उन्होंने मुझे पुश अप किया कि वाकई आप सही हैं, आप कर रहे हैं, आप बनाएं, फिर यहाँ एग्जीबिशन की मैंने, तो माशाल्लाह लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और इसके पीछे भी किसी और बंदे का भी हाथ है, क्योंकि मैं घर में जब करती थी, छोटी बहन है मेरी अमेरिका में होती है हुमा, और मेरे बहनोई उमर, तो उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हर चीज़ में, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये इतनी कॉस्टली चीज़ें होती हैं कि मैं नहीं ख़रीद सकती, ठीक है ना, क्योंकि घर की भी ज़रूरियात हैं, बच्चे भी हैं, माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, वो पढ़ने यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, तो वो उनको भी चलाना है, फिर कभी कभार हो जाता है तो मेरी बहन जो छोटी है अमेरिका, वो मुझे हमेशा पुश करती है, तुमने रुकना नहीं है, तुमने रुकना नहीं है, देखो तुम बोर नहीं हो जाना। फिर माशरे में आपको लगता नहीं है कि खवातीन अपने आपको बहुत अंडर एस्टिमेट करती हैं, उनके पास कोई टैलेंट भी हो तो छुपा के वो छुपा कर? मैं तो ये कहती हूँ कसम से इस मामले में कि बिल्कुल कोई हर औरत ने कुछ ना कुछ, देखें एक माँ को अल्लाह ने बनाया है तो वो इस तरह बनाया है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें, तो जब अल्लाह ने औरत के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन आप बातें नहीं करें लोगों के साथ, आप अपने अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको उभार लें, चाहे वो सिलाई में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो आर्ट में हो, हर काम औरत के अंदर मौजूद है, और हर बच्चे में, हर इंसान में, औरत में क्या, हर इंसान में मौजूद है, सिर्फ अपने को देखने की ज़रूरत होती है। मुझे इसको मतलब कि काफ़ी टाइम लगा इसमें निकलने में कि मुझे ये जो मैंने एक पिक्चर बनाई है इसकी ये जिंदा मिसाल है, अगर आप इसको देखें इतना, क्योंकि एक औरत है उसको दिखाई कि मेरी ये मेरी सोच थी असल में, ये मैंने अपने आप को सबर करके ये बनाई, क्योंकि मेरी बचपन से सोच थी कि एक औरत को लॉक लगा दिया जाता, आप ये नहीं कर सकते, आपने सिर्फ इतना काम करना है,
سے نہیں آتے. پھر یہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی. اب میں جب میرے میاں نے مجھے بہت سپورٹ کی اس میں, ساتھ ہر چیز میں لانے میں کرنے میں, تم کر سکتی ہو, تم کر رہی ہو, ٹھیک ہے, بہت اچھا اپریشیٹ کیا بھائیوں نے کیا میرے. تو بہر یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں گے, لیکن چل رہی ہوں. میں تو کہتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں میں یہ کام کرتی جاؤں, چاہے کوئی خریدے نہ خریدے, بس میرا دل مطمئن ہو جاتا ہے. یہی موٹیویشن ہونی چاہیے, اور آرٹسٹ جو ہے اس کی سب سے بڑی سیٹسفیکشن اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنا اچھا کام کرے. تو میں آخر میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, آپ کا کیا میسج ہوگا جو اس وقت لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ ایگزیبیشن پہ آ کے کیا چیز ایکسپیرینس کر سکتے ہیں؟ میں یہی کہتی ہوں کہ ایک تو عورت کے لیے بہت زیادہ پازیٹیو ہے بات, دوسری یہ گورنمنٹ کے سر میں کہتی ہوں کہ آپ اگر آپ ذرا تھوڑی سی سپورٹ کر دیتے ہیں, مطلب کہ کوئی ذرا اتنے بڑی بڑی یہ کام ہیں, ان کو کہیں ریپرزینٹ کرنے کے لیے جگہ ہونی چاہیے اسپیشل, پھر پبلک ہو ایسی جن کو لایا جائے. فرضاً میں کہتی ہوں کہیں تو پیشنٹ بھی لائیں آپ, ان کے روزگاری کا جو آج کی مسائل ہے یہ بہت اچھا حل ہو سکتا ہے کہ آپ خواتین کو امپاور کریں جو ان چیزوں کے اندر پہنچ چکی ہیں, اپنے آپ کو انوالو کریں, تو انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے اس ملک کو, اللہ جی خیر کرے گا سب کی. تو آرٹ کو لے کر چلتے ہیں, میں تو کہتی ہوں اس بہت اچھا لگے گا اگر ہمارا ملک اس چیز میں ریپرزینٹ ہوگا, کیونکہ میں تو اپنے شعبے سے ریلیٹڈ یہ کام چاہتی ہوں کہ آرٹ پوری دنیا میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ زبردست, تھینک یو سو مچ میم, اینڈ گڈ لک فار دی ریسٹ آف دی ایگزٹ. اور ناظرین, اسی کے ساتھ ہم پہنچ چکے ہیں آج کے شو کے اختتام پر. آئی ہوپ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا ایپیسوڈ. اگر آپ نے کچھ بھی فیڈ بیک دینا ہو تو نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر کے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. اگلی دفعہ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو دی چینل, اینڈ آلسو پریس دی بیل آئیکن تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. اللہ حافظ.